वेल तो हे गाइस, वेलकम टू दी माय चैनल। माय नेम इज पंकज। तो यार मेरा पहला प्रेडिक्शन बिल्कुल सही निकला एंड यहां पे फिन बैलर जो कि डब्ल्यू स्मैकडाउन के अंदर हमें देखने को मिल चुके हैं एंड स्मैकडाउन के अंदर फिन बैलर जो कि बहुत ही अच्छी खासी वाइब हमें देखने को मिल चुकी है एंड यहां पे फिन बैलर जो कि हमें NXT के अंदर देखने को मिल रहे थे इतने दिनों से एंड इतने दिनों से फिन गायब भी थे वेल उसके बाद। सो अब हमें फाइनली जो कि फिन बैलर एंट्रेंस करते हुए दिखाई दे गए, उनका एंट्रेंस देखने को मिला। मतलब सैमी जेन का सेगमेंट चल रहा था एंड सैमी जेन अपना सेगमेंट कट कर रहे थे, प्रोमो कट कर रहे थे एंड यहाँ पे फिर हमें देखने को मिला मतलब फिन बैलर का जो कि रिटर्न एंड उसके बाद फिन बैलर यहाँ पे आए एंड रिटर्न करके भाई साहब सैमी जेन के सामने खड़े हो गए, जो कि ओवरऑल पूरा क्राउड का रिएक्शन पूरा बूम था भाई साहब। मज़ा आ गया उस चीज़ को देख के एंड यहाँ पे स्मैकडाउन के अंदर बहुत ही अच्छी खासी मतलब शुरुआत देखने को मिल चुकी है एंड अभी बहुत कुछ हमें रिटर्न देखने को मिल सकता है एंड सो इसके लिए होप तो बहुत रहेगा भाई अभी और हमें क्या क्या रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। सो वेल यहाँ पे फिन बैलर रिटर्न करते हैं बेसिकली एंड फिन बैलर रिटर्न करने के बाद अटैक कर देते हैं सैमी जेन के ऊपर, जो कि ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था एंड सैमी जेन जो कि अपनी कंस्पिरेसी थियरी सुना रहे होते हैं पब्लिक को, पूरे जनता को। सो वेल ये चीज़ उनको भी पसंद नहीं आती तो फिन बैलर यहाँ पे अटैक कर देते हैं सैमी जेन के ऊपर एंड बहुत ही अच्छे खासे तरीके से कूडा ग्रा भी लगा देते हैं, पूरा अपना फिनिशिंग सेट यहाँ पे यूज़ कर देते हैं, जो कि ओवरऑल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था एंड फिन बैलर फाइनली मेन रोस्टर में देखने को मिले वापस से एंड स्मैकडाउन के अंदर जिसे वो छोड़ के गए थे उसी के पास वापस से आए एंड जो कि ओवरऑल बहुत ज़्यादा अच्छा था। सो मतलब पसंद आया यार, बहुत ही अच्छा लगा ये चीज़ देख के। सो वेल मतलब फिन बैलर इज़ बैक राइट नाउ, बैलर क्लब इज़ स्मैकडाउन, बैलर क्लब इन स्मैकडाउन। सो वेल आपका क्या रिएक्शन है, आपका क्या ओपिनियन है इस थिंग के ऊपर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वेल अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक डिसलाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है कर सकते हो एंड हाँ, सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। समय की मार है या मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेस को इसने RKO था लगाया।